जोहार नमस्कार आदाब। हम अभी गिरिडीह लोकसभा के बोकारो जिले में आए हैं और यहाँ टाइगर का आज नामांकन है। तो नामांकन में इस प्रकार का रैली आपका आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सारे कथनदारी और सारे झारखंड वासी को मोहम्मद अखलाक की तरफ से और पूरा झारखंडी जितने भी लोग जनमानस की तरफ से जोहार। तो टाइगर जयराम महतो के विशाल आप नामांकन में इतना लोग आए हैं, क्या जिंदगी का आपके लाइफ में कभी इस प्रकार का महारैली देखे थे आप? ये तो हम लोगों को मालूम था कि हमारे सुप्रीमो का जिस दिन नामांकन होगा उस दिन ये इतिहास रचा जाएगा कि ऐसा नॉमिनेशन आज तक किसी प्रत्याशी ने नहीं किया है। और यह दर्शा दिया जनता ने कि दादा अग्रिम जीत की बधाई उनको सारे लोगों ने दे दिया है। और आने वाले दिन में मैं 100% श्योरिटी और गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे सुप्रीमो एमपी होने जा रहे हैं गिरिडीह लोकसभा। इस बार गिरिडीह लोकसभा कितने वोटों से टाइगर जीत रहे हैं? लगभग आप आंकड़ा इसका लगा लीजिए, 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख वोट से हमारे सुप्रीमो जीत रहे हैं। 4 लाख बोले, 4 लाख बोले, दो लाख। और ये बताइए कि टाइगर जयराम महतो कि आपके समुदाय अभी मुस्लिम है, क्या मुस्लिम वोट टाइगर जयराम महतो को मिलेगा? बिल्कुल देंगे। ये तो उन्होंने देखिए, एक जो वर्ड होता है सेकुलर, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, जो एक पार्टी होता है, आप देखिए कांग्रेस का देखिए, बीजेपी का देखिए, सबका एक अलग मेंटालिटी और एक धारणा होता है। लेकिन इन्होंने तो सेकुलर शब्द को परिभाषित कर दिया मोहम्मद अखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा से सीट देकर के, तो इसका असर आपको पूरा दिखने को मिलेगा गिरिडीह लोकसभा में। गिरिडीह लोकसभा से मुझे फोन भी आता है, कहते हैं कि आपको टिकट दिया गया, हम लोग पूरा समुदाय टाइगर जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। जयराम महतो किस मुद्दे से चुनाव में आए हैं, क्या मुद्दा क्या है आप लोग? देखिए मुद्दा तो झारखंड में इतना है कि आप कहीं मत, पहले जब हम लोग पार्टी के पहले जो थे, हम लोग पहले कार्य किया, तब उसके बाद जनता के बीच में हम लोग आए। जैसे सर्वश्रेष्ठ अगर सबसे पहला मुद्दा कहा जाए तो विस्थापित का है, पलायन का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ठीक है, और रोजगार का है। ये सारा मुद्दा, ये बेसिक मुद्दा है। अगर इन सब मुद्दों पे अगर सरकार काम की होती तो शायद ये नौजवान, हम लोग जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग राजनीति में नहीं आते। लेकिन राजनीति में अगर आए हैं तो सबसे पहले प्लान का मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यही सब मुद्दा। क्या 10 साल में मोदी सरकार ने आपके क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए? मोदी सरकार ने क्या काम किया आप खुद देख करके देख लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या शहरी क्षेत्र में, उन्होंने अगर काम किया है तो महंगाई का, काम किया है तो बेरोजगार का, और उनका कोई भी काम अगर देखा जाए तो 0/0 है। लोग परेशान है और लोग चाहते हैं कि इस बार जो है सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए ताकि एक अच्छा झारखंड का लोग परिकल्पना कर सके। मोदी तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार, कहने से क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका। आप आ जाइएगा जिस दिन मेरा नॉमिनेशन धनबाद में होगा उस दिन भी देख लीजिएगा कि लोगों का रुझान क्या हो रहा है। इस बार जो है, इस बार जो है झारखंड में आप देख लीजिएगा पार्टी का राजनीति नहीं हो रहा है बल्कि माटी की राजनीति। ठीक है, हमारे बीच रहे इकबाल जी, इनसे हम बात किए और आगे में हम आपको वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार से गाजे बाजे के साथ लोग टाइगर को स्वागत करने के लिए आए हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, ये झारखंड से टाइगर जयराम, आप देख पा रहे होंगे ये भीड़ देख रहे हैं इस प्रकार से, आप देख पा रहे होंगे एकदम देहाती अंदाज में लोगों का, देखिए ट्रेडिशनल में ट्रेडिशनल नाच गान से टाइगर जयराम महतो को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दर्शाते हैं कि चारों साइड लाखों की तरह में नामांकन में इस प्रकार मोदी के रैली में इस प्रकार से लोग नहीं आए हुए हैं, ये देख पा रहे हैं जहां से जहां तक देख पा रहे होंगे, ये भीड़ देख रहे हैं टाइगर के नामांकन में किस प्रकार से लोग यहां आए हैं टाइगर के नामांकन में। और आगे हम वीडियो में दिखाने का प्रयास